हे तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। टिंग टिंग। तो आज घर में बनने जा रहा है चिकन 69 और चिकन करी भी। तो बहुत दिनों बाद मैं थोड़ी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज, तो चलिए आपको लेके चलते हैं किचन में हमेशा की तरह, और दिखाते हैं क्या क्या हो रही है प्रिपरेशन चिकन 69 के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको दिखाते जाता हूँ जैसे जैसे हमारी भाभी बनाते जा रही हैं। तो बस आई किचन में, तो ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाला जाएगा प्याज में। ये जो प्याज का रंग है, ये रंग तेल में एकदम भंग हो चुका है, अब शायद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन तो मैं छेड़ूंगा नहीं, भाभी डालेंगी। कब डालना है? हाँ, मुरबुआ डाल दिया गया है और पूरा जलाया जा रहा है फुटू फुटू करके, और अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जाएगा। फिर तैयार होने के बाद हम आपको बताते हैं। ये डल गया लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेबल पे मिलेंगे, सीधा चखने पे मिलेंगे, बट यहाँ रहा ही नहीं जाता। यहाँ मसाला, मौर मसाला दिखाना ही पड़ता है। तो ये हल्दी, ये लाल मिर्च, ये पीली लाल मिर्च है, और ये डल गया जीरा, गोल मिर्च का पाउडर, और अब धनिया वनिया नहीं, इसीलिए ठीक कहा जाता, अगर बनिया होंगे तभी ना धनिया डालेंगे। और हल्दी, हल्दी कम पड़ गया, मैं बाएँ हाथ से और हल्दी डाला जा रहा है। ठीक है, नमक भी डालना है ना, बस नमक डल जाए। अब का मुर्गा बनल बा एकदम, देख सकते हैं आप एकदम चिकन ने बढ़िया से एकदम तेल को छोड़ दिया हुआ है। लुकिंग फैंटास्टिक एंड अमेजिंग। मुंह में पानी आ गया भाई साहब, अब का ही बोली हम खाए के देर बाद। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं चिकन 69 की। तो ये रहा हमारा मैरिनेटेड चिकन, इसमें हम ऐड कर लेंगे एक अंडा फिर इसको मिला लेंगे हम अच्छे से इसमें। फिर अंडा मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये राइस पाउडर, हल्का सा भाभी 2 चम्मच के अंदाज राइस पाउडर। तो ये तल चुका है हमारा राइस पाउडर, इसको भी हम मिला लेंगे। तो आप जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, राइस पाउडर से चीज़ें करारी लगती हैं। चिकन तलने के लिए रेडी। तो ये रहा, अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। भाभी तेल लिखे कितना डाले के बाद? ज्यादा मत डालेगा फिर बच जाता है तो। बस ठीक है ना? हाँ पापा भी रहना। हाँ। क्योंकि चिकन को ज्यादा तेल नहीं लगता है तलने में, इसलिए हम ज्यादा नहीं डालेंगे तेल, वरना हो जाएंगे फेल। तो यहाँ हो चुका है तेल गरम, इसमें डाल लेते हैं हम एक एक करके करते हैं चिकन को फ्राई। चिकन 69 में चिकन अच्छे से फ्राई करना बहुत ही जरूरी है। Gracias.
तो यहाँ चिकन हो चुका है फ्राई और हो चुका है पूरा रेड रेड। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सेकंड बैच चिकन को भी करेंगे फ्राई। तो हम देख सकते हैं चिकन पूरा ही घसा जा रहा है। फ्राई हम काट लेते हैं अदरक की स्लाइसेस। लहसुनिया पर्वत तो चलिए आइए कर लेते हैं सॉस को रेडी। तो पहले हम इसमें डालेंगे ये 2 स्पून सोया सॉस। उसके बाद इसमें डाल लेंगे चिली सॉस। बंद कर दो नहीं। फिर ये डाल लेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप और ये डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। डाल लेंगे एकदम थोड़ा सा आधे चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लावर और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसकी खासियत ये है कि हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे और जस्ट इसको टेबल में हम अदरक लहसुन के साथ ऐसे ही डालेंगे। तो हम ये जो रिमेनिंग तेल था इसी में हम ये अदरक लहसुन और मिर्च और पहले तो डालेंगे ये तो अब लहसुन और अदरक को भुन जाने के बाद हम इसमें डाल लेंगे ये अपना सॉस। इसमें मैंने नमक भी हल्का सा मिलाया हुआ है। थोड़ा सा फ्राई है कि चिकन 69 या 65 हम जो भी बोले तो भैया ज़्यादा बेटर बनाता है इसको। तो
आज मैंने बनाया है और मसाले वगैरह तो भैया ने शायद दोपहर मिलाए थे, तो भैया के आने के बाद अब भैया टेस्ट करेगा तो बताएं कैसा बना है। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, देखते हैं कैसा बना है। आज जो है ठंडी के मौसम में पड़ा है, अटक गया फिर से करेगा मैं। सो गाइस, इस ठंडी के मौसम में जो है आज बना है बड़ा कमाल का डिनर, बनी है दो दो रेसिपी जिससे हो गया दिल बहुत खुश और जबान को आ गया है स्वाद। तो आइए दिखाता हूँ। तो ये है चिकन 69, जो भी है 69, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये चिकन ग्रेवी बनी है और इसके साथ बनी है एक गर्मा गर्म रोटी और ये रस सलाद, तो आएगा बहुत ही मज़ा। चलिए पहले हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और देखिए बनाते हैं, मतलब बताते हैं कैसा बना है, क्योंकि जबान देखिए मेरी इतनी लपलप आ रही है कि मैं जो है फंबल हो रहा हूँ, क्योंकि बना बहुत अच्छा है, खुशबू से तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए खा के कैसा बना, पंजाबी नहीं लग रहा नहीं ये देहाती लग रहा है। कोई बात नहीं, देहाती सही। तो जैसा तूने कहा था वैसे मैंने सॉस डाला है। तो पहली बार मनीष ने बहुत ढंग का काम किया, जैसा मैंने बोला उसने एक्यूरेटली वैसे ही बनाया। ये तो हर बार एक वो खाना बनाता है तो एक नया एक्सपेरिमेंट करता है, तो वहाँ वो एक नई रेसिपी बन के आ जाती है अपने आप में। तो आज बिल्कुल 69 ही है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही बना है, मज़ा आ गया। देखिए कितना जूसी आप देख सकते हैं, आपकी तरह एकदम जूसी।